नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास कमेंट में लिखा हुआ आता है कि सर आप काढ़े के बारे में जानकारी दीजिए, तो आज हम उस काढ़े के बारे में जानकारी देंगे जो आयुष मंत्रालय ने पास किया है या बताया है। इसमें चार चीज़ों का जो है इस्तेमाल बताया है आयुष मंत्रालय ने कि जिनको खांसी जुकाम बुखार की समस्या रहती है तो वे इस काढ़े का इस्तेमाल करके अपनी इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इस काढ़े को पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब इस काढ़े में चार चीज़ मिलाई जाती हैं, चार औषधियाँ होती हैं, तो उनकी जानकारी देते हैं और इसको बनाया कैसे जाता है और पिया कैसे जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जिस काढ़े के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं उसमें ये चार चीज़ें मिलाई जाती हैं। यह है तुलसा जी का पत्ता, ये पाँचों तुलसी का पत्ता है, ये आपको 400 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये सौंठ है जिसे सुंठी भी कहते हैं, ये आपको 200 ग्राम की मात्रा में लेनी है आपको। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये दालचीनी है, दालचीनी आप 100 ग्राम की मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। और ये काली मिर्च है, काली मिर्च को भी आपको 100 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना है। इन चारों चीज़ों को एक साथ लेकर आपको पीसना है। इसका पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं या दरहरा भी आप कर सकते हैं इसको। इन चारों को आप जो है मिलाकर इसका पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दरहरा भी कर सकते हैं। अब इसको पीना किस तरह से, आपको ये 5 ग्राम की मात्रा में लेना है इस मिश्रण को और 200 ग्राम पानी में डालकर अच्छी तरह से पकाना है। जब ये 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक की मात्रा में रह जाए तो इसे छानकर रोज सुबह और शाम को खाली पेट आपको ये पीना है। जो हमने आपको खुराक बताई है ये एक समय की है। यह है काढ़ा, तीखा होता है, आप इसमें गुड़ मिलाकर इसे पका सकते हैं। जिनको शुगर की समस्या है वह इसमें गुड़ ना मिलाएं। आप जब भी काढ़ा तैयार करें, अगर आपको लगता है कि काढ़ा तीखा है तो आप उसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आपको चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने काढ़े के बारे में आपको जानकारी दी है, लेकिन हम आपको जीवन रक्षक काढ़े के बारे में जानकारी देंगे जो आपको एक दो दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। उस काढ़े में बहुत सारी चीज़ें और मिलाई जाती हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है, तो उस काढ़े के बारे में जानकारी देंगे, एक दो दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी। दोस्तों, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।